कृष्णा सर, आज आप मुझे क्या बताने वाले हैं? हेलो सर, मैं आपको आज लेग्स का वर्कआउट बताने जा रहा हूँ। लोअर बॉडी में लाइक लेग्स में हमारे 60% मसल्स होते हैं। ओके, हमने अब तक के अपर बॉडी वर्कआउट्स किए जिसमें हमारे 40% मसल्स इन्वॉल्व होते थे, बट लेग्स इज द बिगेस्ट मसल इन आवर बॉडी। जैसे कि लेग्स में क्वाड्रिसेप्स होता है, हैमस्ट्रिंग होता है, ग्लूटियस होता है, देन काफ्स मसल्स होते हैं। तो मैं आपको ये सर एक एग्जैक्टली कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं जितने आपने काव्स मसल और हैमस्ट्रिंग वगैरह जो आपने बताया? क्वाड्रिसेप्स मसल जो होते हैं सर, हमारे लाइक यहाँ पे होते हैं, जो घुटने के ऊपर होते हैं, ये सारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं। कहाँ पे? क्वाड्रिसेप मसल्स, अच्छा, समझे सर? ये हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स है। ओके, ये हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स है। ओके, ये ग्लूट्स और ये काफ्स मसल्स है सर। ओके, तो मैं आपको एक एक करके अभी बता दूँ कि क्वाड्रिसेप्स मसल्स में कितने मसल्स होते हैं और उसके लिए क्या क्या वर्कआउट्स हैं। ओके, ठीक है सर। तो पहले क्या बता रहे हैं आप? सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ बायलेटरल पावर स्क्वाट्स, पावर मूवमेंट, बायलेटरल, बायलेटरल स्क्वाट्स। ये बायलेटरल मूवमेंट है, पावर मूवमेंट है। ओके, जिसमें ये वेट सारे हमारे बॉडी पे ही लिफ्ट कर रहे हैं, इसमें कोई सपोर्टेड मूवमेंट नहीं है सर। हाँ तो समीर सर, आप शुरू कर रहे हैं? सर, हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स में चार मसल्स होते हैं, वास्टस मीडियलिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस इंटरमीडियस और एक रेक्टस फीमरस। वो चार मसल्स हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स में होते हैं, उन चारों मसल्स को मिला के हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स बोलते हैं। तो इसकी जो ओके, प्लेसिंग है, आप देख सकते हो कि समीर सर ने बार को स्कैपुले पे लिफ्ट किया है, स्कैपुले बोन पे रहेगा बिकॉज नेक पे नहीं रहेगा। ओके, और समीर कर सर का जो पोजीशन है, टू के आगे नी नहीं जा रहा है। ओके, और सबसे बड़ी बात सर, लेग्स वर्कआउट में हाँ कोर इन्वॉल्व होता है, बिकॉज जब हम कोर मसल्स का यूज करते हैं लेग्स में, तो हम हमारे बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं। ओके सर, सबसे फर्स्ट पोजीशन लेगा स्कैपुले पे बार, नी टो के आगे नहीं आना चाहिए और सिटिंग पोजीशन में जाना है। ओके, और लेग वर्कआउट में कोर इन्वॉल्व होता है, राइट? परफेक्ट, आप देख सकते हो कि नी जो है टो के लेवल पे जा रहा है, नी टो के आगे नहीं जा रहा है सर। स्टांस पोजीशन लेगा, वाइडन लेगा शोल्डर एंड टो स्लाइटली आउट। अजय सर, ये जो हमने मारा अभी, ये कितने सेट्स मारने रहेंगे? सर, इसके 3 सेट्स मारने हैं। सबसे पहले हमें हैवी वेट इतना लेना है कि जिसमें हम 15 रेपिटेशंस इजीली कंप्लीट कर सकें। सेकेंड में 12 और थर्ड सेट में हमें 8 to 10 रेपिटेशन देना है। ओके, क्वाड्रिसेप्स के मसल फेल डाउन होना चाहिए, ब्रेक डाउन, बिकॉज मसल्स एक बार ब्रेक डाउन होंगे तो ही मसल्स डेवलप होंगे। और इसके बाद कौन सा एक्सरसाइज? इसके बाद मैं आपको सर हैमस्ट्रिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। हैमस्ट्रिंग कौन सा है सर? सर, हैमस्ट्रिंग मसल्स ये देखिए, क्वाड्रिसेप्स मसल्स का ऑपोजिट मसल है हैमस्ट्रिंग मसल्स, इसे कहते हैं हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स के नीचे। ओके, हैमस्ट्रिंग मसल्स में भी, हैमस्ट्रिंग में भी चार मसल्स होते हैं, बाइसेप फेमोरिस लॉन्ग हेड, बाइसेप फेमोरिस शॉर्ट हेड, सेमी टेंडोनिस और सेमी मेम्ब्रोनिस। ओके, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट का स्टांस रहेगा शोल्डर विद टो एकदम स्ट्रेट रहेंगे सर। ओके, और सर इस एक्सरसाइज को क्या कहते हैं? इस एक्सरसाइज को कहते हैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। ओके, और जो ग्रिप रहेगा हाथ का, आप देख सकते हो अल्टरनेट ग्रिप है। अच्छा, इसको उल्टा पकड़ना है। हाँ सर, एक सुपाइन ग्रिप रहेगा, एक प्रोन ग्रिप रहेगा। ओके, एक ऐसा और एक ऐसा। यस सर, इसे सुपाइन और प्रोन ग्रिप बोलते हैं। और इसमें नी लॉक ही रहना चाहिए, देखिए सर। अच्छा, नी मतलब लॉक रहेगा, नी लॉक रहेगा, जरा भी बेंड बेंड नहीं होना चाहिए, राइट सर? बट बैक आर्च रहना चाहिए यहाँ पे, यस। अच्छा, इससे हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स काम कर रहे हैं। और सर, इसके भी 4 रेपिटेशन, तीन तीन सेट? यस सर, इसके भी 3 सेट्स माने हैं
सबसे पहले में हमें वेट्स इतना लेना है कि 15 रेपिटेशंस इजीली जाए, सेकंड में 12 रेपिटेशंस, देन थर्ड में 8 टू 10 रेपिटेशंस फिर फेलियर। कृष्ण सर अभी क्या बताने वाले हैं? सर हम अभी लंजेस कर रहे हैं यार। ओके लंजेस। यस सर। ये सर क्या होता है? लंजेस में हमारे लेग्स में क्वाड्रिसेप्स मसल्स यूज होते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स यूज होते हैं, और ग्लूटियस में मिनिमस, मीडियस और मैक्सिमस यूज होते हैं। ओके तो लंजेस का जो पोजिशन रहेगा आपको दिखा देते हैं। लंजेस का जो पोजिशन रहेगा सर, एक पैर आगे और एक पैर पीछे रखना है आपको। ओके और जब आप नीचे आओगे तो तुम्हारा नी जो है टो के लेवल पे ही जाना चाहिए सर। ओके बॉडी वेट मूवमेंट होगा, थोड़ा सा स्लाइटली आगे की तरफ बैंड करना है बॉडी वेट को। ये एक लेग में 15 रेपिटेशन होने के बाद लेग चेंज कर रहे हैं। लेफ्ट लेग आगे फिर राइट लेग पीछे चले जाएंगे सर। ओके समीर सर। ओके सर इसके भी हमारे यस सर, इसके भी फर्स्ट में हमें 15 रेपिटेशन लेने हैं लाइक 10 या 15 के वेट से, फिर सेकंड में 12 रेपिटेशन, थर्ड में 8 टू 10 रेपिटेशन। ओके we have to increase the weight in each and every sets. Sir, ये legs के लिए leg press है, इसमें quadriceps muscles, okay, hamstring muscles और gluteus maximus muscles, okay. ये कंपाउंड और बायलैटरल मूवमेंट फॉर लेग्स, इसमें हिप एक्सटेंशन और नी एक्सटेंशन होगा सर। फुल रेंज लेना है सर, काफी लोग क्या करते हैं लेग्स लेग प्रेस के टाइम पे हाफ रेंज लेते हैं, जिससे हमारा मसल्स प्रॉपर फुल वॉक नहीं होता है। ओके इसमें फुल रेंज लेना है, मतलब हमारा लेग फुल स्ट्रेट होना चाहिए। यस सर। नहीं नहीं नी लॉक नहीं होना चाहिए, नी जो है ना आपका हाफ लॉक ही होना चाहिए, नी सॉफ्ट रहना चाहिए। और सर जो नेक का जो पोजीशन है, हाँ वो नेक उठा हुआ होना चाहिए सर। नेक को सर को थोड़ा मतलब रेस्ट मोड में नहीं लेना आपने सर, नेक को रेस्ट मोड में नहीं लेना। ओके और जो हमारा नी है वो चेस्ट के पास आना चाहिए, देन यू हैव टू पुश स्लोली डाउन एंड स्लोली अप। इससे हमारे सर कौन से मसल्स बनते हैं सर? इससे क्वाड्रिसेप्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स काम करते हैं। ओके और सर यहाँ पे होल्ड करना जरूरी होता है हाथ को? सर यहाँ पे हाथ को होल्ड करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे हम पावर जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ को अगर ग्रिप करते हैं तो किसी चीज़ को ग्रिप करने के बाद पुश करना इजी हो जाता है, जब हम टाइटली ग्रिप करते हैं सो वी कैन पुश इजीली। सर अब हम स्टेप अप करने जा रहे हैं। स्टेप अप में हमारे हैमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स और ग्लूटियस मिनिमस, मैक्सिमस और ग्लूटियस मीडियस मसल्स काम कर रहे हैं। इस पे आप देख सकते हो सर, समीर सर ने राइट लेग अप किया है, ठीक है, लेकिन जब लेफ्ट लेग इनका ऊपर जाएगा तो रेस्ट मूवमेंट पे नहीं लेना है सर लेफ्ट लेग को। और दूसरी बात ये कि जब समीर सर ऊपर जाएंगे तो राइट लेग का नी पूरा एक्सटेंड होने के बाद ही लेफ्ट लेग को ऊपर टच करेंगे। ओके नीचे रेस्ट मूवमेंट अप टो टच एंड अप। यस लेग चेंज 15 रेपिटेशन होने के बाद
टो खाली को टच, टो को खाली नीचे टच करना है, देन आप हील टच नहीं होना चाहिए लाइक दिस। और आप देख सकते हो कि जैसे ही समीर सर का जो पैर है ऊपर बेंच पे, वो लॉक होने के बाद ही नेक्स्ट लेग ऊपर आता है। ओके, थैंक यू। सो इसके भी 3 सेट्स करने हैं हमें, रेपिटेशंस 15 स्टार्टिंग में, सेकेंड सेट में हमें 12 रेपिटेशन और थर्ड में 8-10 रेपिटेशन। और इससे कौन से मसल डेवलप होते हैं सर? इससे सर हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल, हैमस्ट्रिंग मसल्स और ग्लूटियस मैक्सिमस मीडियस मिनिमस मसल्स यूज होते हैं। ओके, सो ग्लूटियस के ग्लूट्स के तीनों मसल्स यूज होते हैं, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स के मसल्स। ओके, सर अभी क्या, अभी कौन सा एक्सरसाइज करने वाले हम? लेग एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। ये इस पे सिर्फ क्वाड्रिसेप्स मसल्स पे काम करेगा सर। ओके, लेग एक्सटेंशन बस क्वाड्रिसेप्स मसल्स पे काम करेगा और ये आइसोलेट मूवमेंट है। ओके, इसमें हमारे टो को अपनी तरफ रखना है। ओके, बॉडी की तरफ, दोनों तरफ साइड में ग्रिप करना है ताकि पावर जनरेट हो और बॉडी को एकदम बैक आर्च करके बैठना है, चेस्ट अप रहे। ओके, और वेट्स को यहाँ तक लिफ्ट करना है सर, नी तक, द फुल स्ट्रेच। यस सर, सो दिस इज कॉल्ड एन नी लेग एक्सटेंशन फॉर क्वाड्रिसेप्स। इससे हमारे कौन से मसल डेवलप होते हैं सर? इससे हमारे लेग्स के क्वाड्रिसेप्स मसल्स यूज होते हैं और ये आइसोलेट मूवमेंट है सर। ओके, सो स्टार्टिंग में हमें 15 रेपिटेशन लेना है फर्स्ट सेट में, सेकंड सेट में 12 रेपिटेशन और थर्ड में 8-10 रेपिटेशन लेने। ओके, सर अभी हम क्या करने वाले? सर अब हम आइसोलेशन मूवमेंट है, ये आइसोलेशन बायलेटरल मूवमेंट हम लेग कर्ल करने जा रहे हैं फॉर हैमस्ट्रिंग मसल्स। ओके, समीर सर आ जाइए। अच्छे पेट के बल ले। यस सर, बॉडी रेस्ट मोड पर रखना है। ओके, तो इसका जो मेन प्रेशर आता है वो कहाँ पे आता है? सर हैमस्ट्रिंग पे आता है। ये सारे हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए, पूरा बॉडी रेस्ट मोड पे रहेगा। स्टार्ट पोजीशन, ये स्टार्ट पोजीशन है, होल्ड कर, ये स्टार्ट पोजीशन है और ये एंड पोजीशन है। बैक आर्च रखना है यहाँ पर, हमें अपर बॉडी को थोड़ा अप करके रखना है सीट से। सर ये इसके भी यस सर, इसके भी 3 सेट रहेंगे। पहले हमें 15 रेपिटेशन लेना है, सेकंड में वेट इंक्रीज करके 12 रेपिटेशन, उसके बाद थर्ड में हमें 8-10 रेपिटेशन। सर अभी क्या बताने वाले हैं? 20 ग्राम सर, मैं आपको अभी सुमो स्क्वाट्स बताने जा रहा हूँ। सुमो स्क्वाट्स इंटरनल लेग्स के लिए, इंटरनल मसल्स कहाँ पे होते हैं? एडिक्टर मसल्स सर, मैं बताना चाहूँगा, ये इंटरनल लेग्स की मसल्स है। ओके, अच्छा, यहाँ पे तो इसमें भी क्वाड्रिसेप्स मसल्स ही होते हैं और यहाँ पे जो स्टांस रहेगा वाइडर देन योर शोल्डर। ओके, और टो फुल्ली पॉइंटेड आउट,
और जब हम डंबल्स को लिफ्ट करेंगे वो बॉडी वेट स्ट्रेट रहेंगे। और इसको पकड़ना कैसे? स्ट्रेट सर, तो हैंगिंग ग्रिप लेना है। देख सकते हो कि समीर सर की पूरी बॉडी स्ट्रेट है, हैंगिंग ग्रिप लिए हुए, और जब आप समीर सर नीचे आ रहे हैं तो परपेंडिकुलर टू फ्लोर रह रहे हैं, उनका हैमस्ट्रिंग मसल जो है परपेंडिकुलर टू फ्लोर, देख सकते हो आप। So this is for inner thigh. First set we have to take of 15 repetitions, seconds we have to take for 12 repetitions, and at the last 8 to 10 repetitions. सर अभी हम कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं? सर हम स्टैंडिंग काफ रेस कर रहे हैं, ओके, जिसमें सोलियस और गैस्ट्रोनेमस दोनों मसल्स यूज होंगे। कौन सा मसल्स इसमें डेवलप होता है एक्चुअली? सोलियस और गैस्ट्रोनेमस, काफ मसल्स। इसे हम यहाँ पर दो मसल्स होते हैं, एक तो सोलियस होता है और एक गैस्ट्रोनेमस मसल्स होता है। तो स्टैंडिंग काफ रेस का जो पोजिशन रहेगा सर, स्कैपले पे वेट्स लेना है स्मिथ मशीन पे, या फिर स्टैंडिंग काफ्स के मशीन्स भी आते हैं सर, ओके। हिप्स को थोड़ा सा पीछे लेना है और नी को थोड़ा सॉफ्ट रखना है यहाँ पर, ओके। और खाली प्लांटर फ्लेक्शन होंगे, समीर सर जो अभी टो पे मूवमेंट कर रहे हैं उसे प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं सर। ये देखिए पैरों के पंजे पे खाली मूवमेंट कर रहे हैं समीर सर, उसे हम प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं, और जिसमें हमारा गैस्ट्रोनेमियस और सोलियस मसल्स यूज हो रहे हैं यहाँ पर काफ्स के। इस पे बैक इफेक्ट नहीं होता है? इससे बैक इफेक्ट नहीं होगा सर, क्योंकि देखिए यहाँ पर समीर सर का जो बॉडी है स्ट्रेट है, आपको आर्च रखा हुआ है समीर सर। इसके सर कितने हैं? इसके तीन सेट्स लेने हैं, फर्स्ट में 15, सेकंड में 12 एंड थर्ड में 8 टू 10 रेपिटेशंस। एंड एट द लास्ट विल डू सिटेड काफ रेज। सिटेड काफ रेज में सोलियस मसल्स यूज होता है सर, यहाँ पर हमने देखा कि गैस्ट्रोनेमियस और सोलियस दोनों मसल्स यूज हो रहे थे, बट यहाँ पे खाली सोलियस मसल्स यूज होंगे काफ में। और यहाँ पे जो सिटिंग पोजीशन रहेगी सर, टो रेस्ट मोड पे रहना चाहिए, सॉरी हमारा जो नी है सपोर्ट पे रहेगा, सपोर्ट मूवमेंट, और यहाँ पे बैक आर्च रख के बॉडी वेट को थोड़ा आगे पुश करके रखना है, ओके। ये लॉक को ओपन किया, सेम प्लांटर फ्लेक्शन, ब्रीदिंग टेक्निक स्टार्ट में आउट करेंगे, जब हम ऊपर लेंगे ब्रीद आउट, इसमें हमारे सोलियस मसल्स डेवलप होते हैं सर, काफ्स के सोलियस मसल्स। फर्स्ट में 15 रेपिटेशंस, सेकंड सेट में 12 रेपिटेशंस, और थर्ड में 8 टू 10 रेपिटेशंस, और हर एक सेट में हमें वेट इंक्रीज करना है। कृष्णा सर अभी आप मुझे किस चीज का एक्सरसाइज बताने वाले? सर मैं आपको अभी फोरआर्म्स का एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। फोरआर्म्स में काफ़ी छोटे छोटे मसल्स हैं, जिसमें फ्लेक्सर अल्नारिस है, फ्लेक्सर कार्पिस है,
उसके बाद पेल्मोरिस लॉन्गस है, एक्सटेंशन कार्पिस रेडियलिस लॉन्गस है, उसके बाद ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स भी पास थ्रू है यहीं से फोर आर्म्स में से, आफ्टर देन फ्लेक्सर डिजिटोरम एंड फ्लेक्सर कार्पिस अल्नारिस मसल्स है। ओके तो सारे छः मसल्स है यहाँ पर, इतना छोटा सा है फोर आर्म्स बट इसमें काफ़ी सारे मसल्स है। ओके तो ये जो मसल्स है हमें हम बाइसेप्स में बैक में ऑलरेडी यूज होते हैं, तो ऑलमोस्ट हम फोर आर्म्स के एक्सरसाइज नहीं करते। हमने काफ़ी सारे बंदों को देखे जो अवॉइड कर रहे फोर आर्म्स मसल्स वर्कआउट, पर एक्चुअली में करने चाहिए ना, एक्चुअली में करने चाहिए। मतलब अगर हम जिस दिन बाइसेप्स मारते हैं और बैक मारते हैं तो उसमें ऑलरेडी ये मसल्स यूज होते हैं सर, बिकॉज फोर आर्म्स का जो मसल्स यूज होता है, जैसे ही हम किसी चीज़ को ग्रिप कर लेते हैं तो हमारे फोर आर्म्स मसल्स यूज होना शुरू कर देते हैं। तो सर फोर आर्म्स ही बनते हैं या अगर हमको अपनी कलाई चौड़ी करनी हो तो वो इससे कलाई भी चौड़ी होती है? कलाई चौड़ी नहीं हो सकती, बिकॉज कलाई जो है अगर वो चौड़ी होगी तो हमारा जो हाथ है उसका मूवमेंट फिर प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम अपने कलाई को चौड़ी नहीं कर सकते। बिकॉज अगर मैं अपनी कलाई को चौड़ी कर दूँ तो मैं मेरे हाथ को तो चौड़ा नहीं कर सकता, डैट इज नेचुरल, इसीलिए तो हमारा जो कलाई है उतना ही रहेगा सर। ओके तो मतलब इससे फोर आर्म्स को हम बढ़ा सकते हैं, फोर आर्म्स से मसल्स गेन हो सकते हैं, बट कलाई का कोई कलाई को लाइक डेवलप करने के लिए कोई एक्सरसाइजेस नहीं है। और फोर आर्म्स के सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है? हाँ फोर आर्म्स के सर एक ये है और एक डंबल रोटेटर है, डंबल रोटेटर भी मैं आपको बता देता हूँ सर। इससे भी हमारे वही मसल्स डेवलप होते हैं जो सेम मसल्स। और सर इसको डंबल रोटेटर कहते हैं, वो जो हमने पहले किया उसका क्या नाम था? वो फोरआर्म्स रेस्ट मोड पे रहेंगे। ओके वो फोरआर्म्स मशीन पे होते हैं, उसे हम फोरआर्म्स के लिए फोरआर्म्स लाइक रेस्ट मोड फोरआर्म्स कर्ल बोल सकते हैं। और ये डंबल रोटेटर, ये डंबल रोटेटर इसके भी हमारे तीन इसके तीन सेट्स लेने हैं, और जिस दिन हम बैक और बाइसेप्स करेंगे उस दिन फोरआर्म्स के मसल्स को इतना वर्क करना जरूरी नहीं है लाइक इन माय ओपिनियन, बिकॉज ऑलरेडी हम जब भी ग्रिप करते हैं बैक के लिए या फिर बाइसेप्स के लिए तो हमारे फोरआर्म्स के मसल्स ऑलरेडी इतने यूज हो ही जाते हैं। ओके ओके थैंक यू सर।